शुभम भगत के साथ समय हम दर्शकों एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफिस के बिल्कुल बाहर है, जहां पर नेशनल पैंथर पार्टी द्वारा यहां पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार आप देख रहे हैं चोर बाजारी को लेकर गुंडेगर्दी को लेकर जो पैंथर पार्टी लगातार धरना प्रदर्शन करते आए और जिस तरह से आए दिन आम जनता के मुद्दों को जो कि नेशनल पैंथर पार्टी लगातार उजागर करती है, समय आप देख रहे हैं एंटी करप्शन ब्यूरो दफ्तर के बिल्कुल बाहर जहाँ पर आप देख रहे हैं हर्षदेव सिंह जी और उनके समर्थक उनके पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और लगातार कहा जाएगा भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज, जम्मू कश्मीर भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है और यकीनन ही आज की तारीख में जम्मू कश्मीर पहले पायदान पर पहुंच चुका है भ्रष्टाचार। मिल बांटकर सरकारी खजाने की लूट की जा रही है, सरकारी अफसर और भारतीय जनता पार्टी के सियासतदान मिलकर जिस तरीके से टैक्स पेयर मनी को चूना लगा रहे हैं उसी के विरोध में आज हमने एंटी करप्शन ब्यूरो के बाहर प्रदर्शन किया है और इन लोगों को गिरफ्तार करने की मांग की है। देखने में ये आ रहा है कि बीजेपी के लोग जो आज की तारीख में पंच और सरपंच भी नहीं है, उनको बड़े बड़े सरकारी बंगलों में बिठाया हुआ है, मिनिस्टीरियल बंगलों में बिठाया हुआ है, कोई किराया उनसे वसूल नहीं किया जा रहा है, कोई बिजली का लाखों रुपए का बिल उनके नाम पर है लेकिन कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की जा रही है और मिली भगत से टैक्स पेयर मनी को चूना लगाया जा रहा है। इन सरकारी बंगलों में करोड़ों रुपए का सामान जो है वो मुफ्त इन बीजेपी के लोगों को मुहैया किया जा रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। स्टेट डिपार्टमेंट को बार बार आगाह करने के बावजूद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि कश्मीर की कुछ अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको अपना सियासी दफ्तर चलाने के लिए जम्मू में सरकारी आवास दिया गया है, इससे बड़ी भ्रष्टाचार की मिसाल क्या होगी। और उन पॉलिटिकल पार्टी से कोई किराया भी नहीं वसूला जा रहा है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे महकमा जात हैं जिनके बारे में बार बार शिकायतें की गई, लोगों का पैसा जिस तरीके से वो लूट रहे हैं, खासतौर पर पीएमजीएसवाई की जब सड़कें बनी तो जो घर उस रास्ते में आए उनको डिसमेंटल किया गया और वो पैसा सेंटर की तरफ से 9 साल पहले आ चुका है लेकिन जम्मू कश्मीर में कुछ भ्रष्ट अधिकारी उस पैसे के ऊपर सांप की तरह कुंडली मारे हुए बैठे हैं और वो पैसा एक्सट्रेनियस कंसिडरेशंस के ऊपर रोका जा रहा है। गरीब लोगों के साथ अन्याय हो रहा है जो पैंथर्स पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। जिन अधिकारियों ने गरीबों का पैसा दबाया हुआ है 8-8, 9-9 साल से, वो भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी मिसाल है और ऐसे अधिकारियों को फौरन गिरफ्तार किया जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे केसेस हमने रामनगर में देखे, गोडी में देखे, डुड्डू में देखे, बसंतगढ़ में देखे, 8-8 सालों से लोगों के घर बुलडोज किए गए हैं सड़क बनाने के लिए और पैसा एसडीएम महोदयों ने, कलेक्टर महोदयों ने अपने पास ऐसा माना जा रहा है कि वो सूद पर चढ़ाया हुआ है, उन लोगों को नहीं दिया गया है। उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। राशन का जिस तरीके से घोटाला चल रहा है उसका कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जे किए हैं, फॉरेस्ट लैंड्स के ऊपर कब्जे किए हुए हैं, बैंक के पैसे गबन किए हुए हैं, उनको कोई भी नहीं पूछता है। जो छोटे मुलाजिम हैं उन्हीं के ऊपर गाज गिरती है, जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, बीजेपी के नेता हैं, बड़े बड़े अधिकारीगण हैं जो करोड़ों और अरबों रुपए का गबन कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसका पैंथर्स पार्टी यहाँ एंटी करप्शन ब्यूरो के दरवाजे के ऊपर प्रदर्शन करके अपने रोष का इजहार कर रही है। ऐसे सियासतदानों और ऐसे ब्यूरोक्रेट्स अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाना चाहिए। सर हर्षदेव जी, सवाल पूछना चाहेंगे, जिस तरह से भाजपा के डीडीसी एनडी त्रिपाठी द्वारा एक पत्रकार महिला वीडियो जर्नलिस्ट के ऊपर प्रहार किया गया, उन पर हाथापाई की, उसके बारे में क्या कहे नगरोटा गुजरू के डीडीसी भाजपा के? ये नरेंद्र मोदी जी को पूछना चाहिए कहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जिस तरीके से जुल्म आप बेटियों के ऊपर कर रहे हैं, बेटियों को पढ़ाते हैं फिर उनके ऊपर हमले करते हैं और फिर उनके साथ ऐसा अभद्र व्यवहार किया जाता है
जिसका संज्ञान कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। शर्म आनी चाहिए ऐसे बीजेपी के अधिकारियों को और इनके नेताओं को, वो इस तरीके से हर एक को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वो आज की तारीख में गरीब को दबाया जा रहा है, मुजलूम को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, किसान को कुचला जा रहा है, बेरोजगार नौजवान के साथ ज्यादती हो रही है और महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, उनके ऊपर हमले होते हैं, उसका भी कोई संज्ञान नहीं लेता। और अभी जो हादसा हुआ है ये बहुत ही शर्मनाक है, इसकी जितनी मुजम्मत की जाए उतनी कम है। सर, जब मनकोटिया साहब ने स्मृति ईरानी जी के लिए कुछ शब्द बोले थे तो पूरा महिला मोर्चा भाजपा का पैंथर पार्टी के ऑफिस में घुस गया था, तो आज वही मोर्चा कहाँ पर है सर? बिल्कुल, ये उनको देखना होगा। और जिस तरीके से महिलाओं ने भी बीजेपी के नेताओं के खिलाफ जो बयान दिए हैं और किस तरीके से महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी के लोग ट्रीट करते हैं, ये भी सबको मालूम है, क्योंकि उनकी अपनी जो पार्टी की लीडर थी उन्होंने भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो किस तरीके से महिलाओं के साथ एक अभद्र व्यवहार ही नहीं करते हैं, बल्कि उनके साथ जो 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 उनके खिलाफ उन्होंने बयान दिए थे, मैं कहूंगा कि किसी का भी सर शर्म से झुक जाएगा। अगर शर्म नहीं आती है किसी को तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं आती। सर, हर पार्टी ने महिला मोर्चा बनाया, वो महिला मोर्चा क्या सिर्फ उनकी पार्टी के महिलाओं के लिए, बाकी देश की जम्मू कश्मीर की बेटियों के लिए नहीं है? बिल्कुल, उन महिलाओं को भी मैं कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा कि बाहर निकलें। अगर आपकी पार्टी के किसी आदमी ने महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया है और उसके साथ जो है हाथापाई भी की है, तो उसके खिलाफ तो आपको उठ खड़ा होना चाहिए। और ये तो एक दोहरा जो मापदंड है ये सरासर गलत है और बहुत बड़े सवालिया निशान आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी इस संदर्भ में उठते हैं। धन्यवाद सर। साफ तौर पर हर्षदेव जी का ये कहना है कि जिस तरह से सरकारी बंगलों में जो भाजपा के नेता हैं वो बैठे हुए हैं, ना ही उनसे सरकार या प्रशासन से किराया ले रही है, आखिर इस तरह का धोरा मापदंड क्यों? और जिस तरह से इन्होंने आज एंटी करप्शन ब्यूरो के बाहर आके धरना प्रदर्शन किया कि लगातार नेशनल पैंथर पार्टी लगातार इन मुद्दों को उजागर करती है, ये जहाँ पर सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया जा रहा है, जनता के पैसे का दुरुपयोग किया जाए, उसका हिसाब किताब होना चाहिए कि आखिर वो पैसा कहाँ पर खर्च हो रहा है, कहाँ पर नहीं। और साथ ही साथ जो एक वाक्या हुआ, एक निंदनीय वाक्या हुआ, बिलावर के गुजरू नगरोटा के DDC मेंबर जो कि जिनका नाम ND त्रिपाठी, उन्होंने किस तरह से मीनू वर्मा जो वीडियो जर्नलिस्ट, और साथ ही डिम्पल वर्मा के ऊपर हाथापाई की, उन पर प्रहार किया, उन पर आक्रमण किया और किस दबंग स्टाइल से किया, अभी तक सवाल ये है कि अभी तक FIR क्यों नहीं लगी? सबसे बड़ा सवाल आज कहाँ है? और पार्टियों की महिला मोर्चा आज क्यों वो घरों के अंदर बैठे, आज क्यों नहीं? वो भी जम्मू कश्मीर की बेटी है, वो भी गरीब घर से ताल्लुक रहती है, क्या यही फर्क है? यही दोहरा मापदंड है कि अगर पार्टियों के साथ कोई महिला बहन बेटी जुड़ी है तो आप उसके लिए आवाज उठाएंगे, या कोई नेता है उनके लिए आवाज उठाएंगे? एक आम इंसान के लिए, एक आम महिला के लिए, चाहे वो किसी भी घर की बेटी हो, उसके लिए अगर उसके साथ गलत होता है तो क्या आपका उस समय दायित्व नहीं बनता आवाज उठाना? क्या यही फर्क?